दोस्तों तो कैसे है आप आई हो आप सभी अच्छे होंगे आज एक डिस्कस करेंगे स्मॉल केस क्वान्टेस्ट डिफेंस स्टार्ट एक नया स्मॉल केस है एक ही साल हुआ है क्वान रिसर्च कंपनी से तो क्वान्टेस्ट रिसर्च का मैंने और भी एक स्मॉल केस डिस्कस किया था अपने चैनल पे टाइनी टाइटन्स करके अगर नहीं देखे तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आप देख लेना तो ये एक नया ये भी एक नया स्मॉल केस है वन ईयर हुआ है देख सकते हैं इसका रिटर्न ट्वेंटी एट पॉइंट एट जो कि लाजवाब रिटर्न दिया हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा तो देख लेते हैं अबाउट द स्मॉल केस में तो क्वांटिस प्रेफर्ड पिक्स यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं थ्री टू एट स्टॉक्स मैक्सिमम रहता है ये

और ये ये काफ़ी रिस्की होने वाला है क्योंकि ये सेक्टरल और थीमेटिक बास्केट है तो पांच ये इनका रिकमेंडेशन है पांच लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका बेनिफिट ओवर टाइम आपको मिल मिल सके ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं वन ट्वेंटी एट परसेंटेज एक साल के लिए है मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ट्वेंटी थाउजेंड एटी फोर ये है नहीं है इनका रिकमेंडेशन है एट एटलीस्ट फाइव लाख रुपीज़ तो इनका प्लान का तो देख सकते हैं थ्री मंथ्स के लिए फिफ्टीन थर्टी फोर और सिक्स मंथ्स के लिए ट्वेंटी थ्री सिक्सटी तो जो कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि एक साल में चार हजार आठ सौ रुपए के करीब आ रहा है तो काफ़ी काफ़ी स्मॉल केस में देखा हूँ बहुत सारे हाई चार्जेस सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं लेकिन ये चार हजार आठ सौ एक साल के लिए ठीक है ज्यादा है नहीं तो नीचे चलते हैं तो वन इसका बेंच मार्क है इक्विटी मल्टी कैप तो देख सकते हैं मैक्स में ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल टेन लास्ट ईयर को ट्वेंटी थ्री में तो मैक्स में जाकर आराम से वन थर्टी नाइन इक्विटी मल्टी कैप का एक सौ रुपये लगाते वन थर्टी नाइन हो जाता मतलब थर्टी नाइन परसेंट का आपका रिटर्न मिलता है यहाँ पे वन थर्टी थ्री रिटर्न मिलता है तो सौ रुपये लगा के टू थर्टी थ्री एक साल में अगर जाऊँ तो थर्टी एट परसेंट रिटर्न इक्विटी मल्टी कैप में इसमें टू ट्वेंटी एक सौ इक्कीस परसेंट रिटर्न मिलेगा छह महीने में ट्वेंटी फोर इसका फोर्टी एट और वन मंथ का भी काफ़ी अच्छे से बीट करते हुए हालांकि मार्केट अभी काफ़ी वोलेटाइल है एक दिन ऊपर जाता है एक दिन नीचे आता है तो इसका भी इक्विटी मल्टिकाप का थ्री परसेंट और इसके एटीन परसेंट जो है काफ़ी बेहतरीन है तो ऊपर चलता है थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक्स एंड वेट्स की बात तो पांच ही स्टॉक्स बताया था इसने स्टार्टिंग uh, में कि फाइव टू एटीन एट स्टॉक्स रहेगा तो पांच स्टॉक्स रखा हुआ है रिबैलेंस लास्ट हुआ था अप्रैल ट्वेंटी टू को और नेक्स्ट रिबैलेंस होगा एप्रिल ट्वेंटी क्योंकि वीकली रिबैलेंसिंग है वीकली रिबैलेंसिंग मुझे पसंद नहीं है बहुत को पसंद हो भी सकता है क्योंकि एक्टिव रहता है फंड स्मॉल केस मैनेजर्स काफ़ी खराब जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो वाला स्टॉक निकालने मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि काफ़ी ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाता है तो मैं मान लीजिए बहुत इकट्ठा करके एक लमसम कॉर्पस बनाया हूँ पाँच लाख का ठीक है उसके ऊपर मुझे ईयरली अगर मुझे दस पंद्रह हज़ार और देना पड़े ट्रांजेक्शन चार्जेस के लिए वो काफ़ी बहुत लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है कि मैं पंद्रह हज़ार अलग से रखना पड़ेगा मुझे या या फिर अगर मैं पाँच लाख ही लगाऊं तो वाँ वाँ से स्टार्टिंग में इनका सब्सक्रिप्शन फीस कट जाएगा काफी तो मेरा मेरा कॉर्पस जो इन्वेस्टेड कॉर्पस है वो वो भी पांच लाख के बिना फोर लाख एटी थाउजेंड फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड तक आ जाएगा तो ये थोड़ा दिक्कत वाली चीज है वीकली रिबैलेंसिंग में रिबैलेंसिंग टाइम लाइन थोड़ा देख लेते हैं देख सकते हैं अप्रिल्वेंटी से स्टार्ट हुआ था फिफ्टी 6, 7, 8, 9, 59 हो चुका है अभी तक तो, क्योंकि ये है, तो काफी ज्यादा नंबर हाई अमाउंट ऑफ़ वीकली रहता है इनका तो काफी में नो no चेंजेस है कुछ कुछ, कुछ में स्टॉक खरीदा भी हुआ है और निकाला भी हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं तो नीचे आए तो फिनेंशियल हाँ रेशियो देखता है थोड़ा पी रेशियो सेवेंटी फाइव जो कि काफी हाई है शापी रेशियो थ्री पॉइंट टू नाइन है और डिविडेंड रेल जीरो पॉइंट फोर थ्री और क्योंकि एक मल्टी कैप है तो तीनों में लगा हुआ है पैसा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो लार्ज कैप में फोर्टी परसेंट मिड कैप में ट्वेंटी परसेंट और स्मॉल कैप में फोर्टी परसेंट तो ओवरव्यू में चलते हैं फिर से यहाँ पे कॉस्ट एंड रिटर्न के बारे में बात कर अच्छा ठीक है थोड़ा इनके क्वान रिसर्च जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं तो रिसर्च जो कंपनी है ये मैनेज है कार्तिक जोनागदला जी से तो ये टेन प्लस इयर्स यहाँ पे ट्वेल्व प्लस इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखता है और काफ़ी काफ़ी अच्छी जगह पे काम कर चुके हैं मोतीलाल ऑसएल कंपनी के साथ भी एसोसिएटेड थे और काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी है इनका जैसे मॉर्गन स्टैंडली गोल्ड सैक् सिटी बैंक नोमुरा एच एस बी सी काफ़ी अच्छे कंपनीज़ है और इन इनके पास ये मैनेज करते हैं टोटल थर्टी स्मॉल केसेस तीस स्मॉल केसेस मैनेज करते हैं मैं ऑलरेडी इस कॉन्टेस्ट टैनी टाइटन्स का रिव्यू कर चुका हूँ अपने चैनल पे जा देख सकते हैं और आज हम लोग कॉन्टेस्ट डिफेंस वाला डिफेंस स्टार्स रिव्यू कर रहे हैं तो कॉस्ट एंड रिटर्न की तरफ चलते हैं थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं एक लाख मैं अगर लगाऊँ यहाँ पर तो दस हजार रुपए करीबन ग्यारह हजार रुपये मुझे चला जा रहा है सब्सक्रिप्शन फीस और ट्रांजैक्शन चार्जेस में सब्सक्रिप्शन फीस फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्स हो गया ये मैक्स में है अगर वन ईयर का कंसीडर करूँ मैं तो फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी ज्वाइन का सब्सक्रिप्शन फीस है एक साल का और ट्रांजेक्शन चार्जेस है फाइव ये काफी हाई है एक साल के लिए 2382 थाउजेंड जा रहा है डीपी चार्जेस एस चार्जेस जा रहा है बहुत सारे चार्जेस है टोटल मिला के पाँच हज़ार साढ़े पाँच हजार के करीब चार्जेस जा रहा है उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन फीस है तो दस हजार तो टोटल तो मोटा मोटा निकल गया मेरा चार्जेस एक लाख में से अगर चार्जेस में नब्बे हजार रुपये मुझे मेरा इन्वेस्टेड रहेगा तो इसलिए मैं वीकली रिबैलेंसिंग को उतना पसंद नहीं करता हूं लेकिन बहुत लोग वीकली रिबैलेंसिंग के लिए आपका कॉर्पस थोड़ा ज़्यादा भी चाहिए होगा क्योंकि इनका जो फीस है वो सब फीस और ट्रांजेक्शन जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा ज्यादा भी चाहिए होगा तो देख लीजिए आपको क्या करना है तो वन लाख सिक्स वन लाख टेन थाउजेंड लगाते तो टू लाख सिक्सटीन थाउजेंड आपका कॉर्पस बन जाता है रिटर्न से आपका वन लाख सिक्स थाउजेंड तो आपका टोटल पर, परसेंटेज आता है नाइन्टी सिक्स पॉइंट टू एट जो कि काफी बेहतरीन है एक लाख दस हजार के ऊपर इन्वेस्ट करते तो, तो यही एक चीज है ये अच्छा है डिफेंस uh, वाले जो सेक्टर है काफी बूम में है अभी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है रहे सी एस जी अभी देख सकते हैं 128 आपका रिटर्न्स भी काफी अच्छा दिख रहा है 96.28 सभी कुछ अच्छा है लेकिन बस वीकली रिबैलेंसिंग का ही चक्कर है थोड़ा मान लीजिए अभी डिफेंस वाला सेक्टर अच्छा है इसीलिए आपका जो तो ट्रांजेक्शन चार्जेस है उतना खलक नहीं रहा है आप, आप आपने क्योंकि ये सब के बाद में भी आपको हंड्रेड के करीब आपको रिटर्न आ रहा है जब मार्केट नीचे रहेगा जब डिफेंस वाला सेक्टर नीचे रहेगा इनका चार्जेस तो सेम ही रहेगा सब्सक्रिप्शन फीस भी सेम रहेगा और और ट्रांजेक्शन ये लोग ये लोग वीकली वीकली रिबैलेंसिंग करता ही रहेगा ठीक है, है? ऐसा ऐसा नहीं है कि वीकली रिबैलेंसिंग बंद हो जाएगा फिर वीकली रिबैलेंसिंग होता ही रहेगा आपका चार्जेस कटता ही रहेगा ऐसे लेकिन आपका रिटर्न उतना खास नहीं आएगा फिर वही सब सोचने वाली चीज है ये वाला स्क्रीन जो है ये आप बहुत सारे परमोनेशन कॉम्बिनेशन करके आप लोगों को लगाना चाहिए क्योंकि एडिट में जाके यहाँ पे मान लीजिए एक लाख की जगह दस लाख लगाया मैं अप्लाई चार्जेस अप्लाई चेंजेस करता हूँ मैं तो यहाँ पे देखिए चार्जेस कितना बढ़ गया 32,000 टू इनका सब्सक्रिप्शन फीस फ्लैट फ्लैट फीस है वो सेम रहेगा लेकिन ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए करीबन 33,000 हो गया टोटल मेरा मेरा थर्टी एक्स्ट्रा लगेगा ठीक है और मेरे रिटर्न भी बढ़ 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 जाएगा इन दैट दैट केस तो आप लोगों के पास कॉर्पस बड़ा होना चाहिए तो ही यहाँ पे लगाइए और ये जो डिबैलेंसिंग uh, चार्जेस है वो अगर आप बियर कर सकते हैं मान लीजिए दस लाख के बाद भी अगर चालीस रुपए और आपके पास बियर कर सकता है तो ये आपको लगाना चाहिए नहीं तो ये काफी अच्छा स्मॉल केस है तो क्या वीडियो पसंद आया लाइक like और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे स्मॉल केस पेंडिंग है रिव्यूज जो मैं करता रहूंगा लाता रहूंगा एवरी वीक तो वीट वीडियो के साथ बने रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग है गुड डे